सो ये गाइज एंड वेलकम बैक टू अर न्यू अनदर वीडियो। एंड गाइज आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गाइज आप फ्लिपकार्ट के अंदर किस तरीके से आप नया अकाउंट कैसे आप क्रिएट कर सकते हो। तो फ्लिपकार्ट के अंदर अपने जो है नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट ऐप जो है डाउनलोड कर लेना है, जो कि आपको आसानी से प्ले स्टोर के अंदर मिल जाएगा। तो हमने गाइज इस ऐप को जो है ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। ये ऐप हमें हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर देखने को मिल गया है। हम इस ऐप के ऊपर क्लिक करते हैं और इस ऐप के अंदर आ जाते हैं। इस ऐप के अंदर आ जाने के बाद अब हम आपको बताएंगे कि आप इस ऐप के अंदर न्यू अकाउंट किस तरीके से बना सकते हो। तो यहाँ पर जब आप आओगे तो इस ऐप के अंदर ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर जो है गाइस आप डायरेक्टली आपको अकाउंट क्रिएट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपके मोबाइल के स्क्रीन पर कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो नीचे के साइड में आपको चार पांच ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि होम, एक्सप्लोर, कैटेगरीज, अकाउंट और कार्ड। अगर आपको नया अकाउंट क्रिएट करना होगा तो इसके लिए आपको अकाउंट का ऑप्शन आपको नीचे के साइड में जो दिख रहा है आपको अकाउंट के ऑप्शन के ऊपर जो है क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप अकाउंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे आपके मोबाइल के स्क्रीन पर कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर जो है ऊपर के साइड में ये जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर लिखा हुआ है लॉग इन द टू गेट एक्सक्लूसिव ऑफर्स। तो इस ऑप्शन के ठीक सामने जो है आपको एक लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको इस लॉगिन वाले ऑप्शन के ऊपर जो है क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस लॉगिन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे आपके मोबाइल के स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है आपको अकाउंट अगर क्रिएट करना है तो आप अपने मोबाइल नंबर से भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और अपने ईमेल आईडी से भी आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। अगर आपके पास आपका अपना मोबाइल नंबर नहीं है और अगर आप ईमेल से अपना अकाउंट अगर बनाना चाहते हो तो इसके लिए नीचे के साइड में यूज ईमेल आईडी का ऑप्शन दिख रहा है, आप उसके ऊपर क्लिक कर लेना। मैं अपना ये अकाउंट जो है अपने मोबाइल नंबर से बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर जो है फिल कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो हमने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर लिया है और उसके बाद हम नीचे के साइड में जो कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर जो है क्लिक कर लेना। जैसे ही कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे हमारे मोबाइल में एक OTP आने वाली है। हम OTP जो आप देख सकते हो वो OTP आ गई और OTP आने के बाद जो है वो अपने आप ही जो है वेरीफाई भी हो गई। तो वो OTP आपके मोबाइल में भी आ जाएगी और अपने आप वेरीफाई हो जाएगी। और अगर अपने आप वेरीफाई नहीं हो रही है आप जो है उस OTP को आप फिल कर लेना। तो गाइस जब आप OTP फिल कर लोगे तो OTP वेरीफाई होने के बाद आपके मोबाइल के स्क्रीन पर कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। जब आपको ऐसा कुछ देखने को मिले तो आपको नीचे के साइड में आना है। नीचे के साइड में जब आप आओगे तो यहाँ पर जो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एडिट प्रोफाइल का। तो आपको एडिट प्रोफाइल वाले ऑप्शन के ऊपर जो है क्लिक कर लेना है। एडिट प्रोफाइल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपना नाम यहाँ पर फिल कर लेना है। फर्स्ट नेम और सेकंड नेम दोनों को मिला करके आपको अपना नाम फिल कर लेना है और उसके बाद मोबाइल नंबर हमारा ऑलरेडी जो है यहाँ पर फिल है। और इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ईमेल आईडी का। ईमेल आईडी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी फिल कर लेना। ईमेल आईडी अभी मैं फिल नहीं करना चाहता हूँ इसलिए मैं इसको अभी के लिए छोड़ देता हूँ। आपको अगर फिल करना हुआ तो आप फिल कर लेना। तो उसके बाद जब आप इतना कर लोगे तो इतना करने के बाद आपको सबमिट का ऑप्शन दिखेगा। आपको मोबाइल के स्क्रीन पर बीचों बीच सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, आपको सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर जो है क्लिक कर लेना है। सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर जब आप क्लिक कर लोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो आप इतना कर लोगे। तो इतना करने के बाद एक और नीचे के साइड में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेव्ड एड्रेसेस का। तो आपको इस सेव्ड एड्रेसेस वाले ऑप्शन के ऊपर जो है क्लिक कर लेना है। तो सेव एड्रेसेस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देने के बाद आपके मोबाइल के स्क्रीन पर कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा जहां पर लिखा हुआ है फुल नेम, फोन नंबर, पिन कोड, स्टेट, सिटी, हाउस नंबर, रोड नेम, कॉलोनी रिक्वायर्ड। इस तरीके के ये ऑप्शंस आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और गाइज ये जो पूरा का पूरा फॉर्म है आपको ये पूरा फॉर्म जो है फिल कर लेना है। गाइज ये पूरा फॉर्म फिल करके आपको अपना एड्रेस जो है सही तरीके से आपको फिल कर लेना है। यहाँ पर आप पूरा एड्रेस फिल कर लेना। एड्रेस फिल कर देने के बाद आपको नीचे साइड में सेव एड्रेस का ऑप्शन दिखेगा, आपको सेव एड्रेस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। और जब आप इतना कर लोगे तो इतना करने के बाद आपका जो फ्लिपकार्ट में जो आपका अकाउंट है वो पूरी तरीके से बन जाएगा। बस कुछ इस तरीके से जो है आप अपना अकाउंट फ्लिपकार्ट के अंदर कुछ इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। गाइस अगर आप इस चैनल पर नए हो और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।